श्वेता और आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन। एक और जहां पूरा बिहार लोक आस्था का महापर्व छठ मना रहा है, तो वहीं पूरे देश में आज दीपावली की धूम देखने को मिलेगी। हम बात कर रहे हैं इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के वर्ल्ड कप फिनाले की। राजधानी पटना में इंडिया की जीत के लिए हवन कराया जा रहा है, पूजा पाठ कराया जा रहा है। चलिए हम लोगों से बातें सुनते हैं, क्या कुछ कहना है उनका फाइनल मैच को लेकर। बिल्कुल, आज देख रहे हैं आप लोग कि लगातार 10वां जीत रिकॉर्ड में एक इतिहास रचा गया है। लगातार 10 मैच ने टीम इंडिया जीता और 11 हम लोग का शुभ अंक माना जाता है, जबकि हम लोग चंदा भी देते हैं तो 11 रुपया के हिसाब से देते हैं, तो 11 एक शुभ संकेत है। और इसी के लिए आज टीम 11 मैच जीतकर ऑस्ट्रेलिया को पराजित कर वर्ल्ड कप भारत में लाएगा। कंगारू होंगे ढेर पाएगा, क्योंकि सबसे पहले तो आज लोक आस्था का महान पर्व छठ पूजा के शुभ अवसर पर आप लोग के माध्यम से मैं पूरे इंडिया टीम को छठ पूजा की हार्दिक बधाई एवं जीत की शुभकामनाएं देना चाहता हूं। आज पहला आराध्य है, आज पूरे देश में पूरे भारत में छठी भगवती माता जो हैं वो आज अर्घ देंगी और वो मनोकामना पूरा करेंगी। जो सबसे पहला जो अर्घ आज पड़ेगा वो भारत के जीत के लिए ही पड़ेगा, क्योंकि दिल जीता है जहाँ भी जीतेंगे। 2003 आपको याद होगा कि ऑस्ट्रेलिया ने इंडिया को हराया था, लेकिन अब 2003 नहीं, ये 2023 आ गया है। कंगारू होंगे ढेर और इंडिया बनेंगे शेर। भारत और ऑस्ट्रेलिया का मैच है, पटना के नाला रोड मंदिर में माता रानी से कामना किए हैं कि जिस तरह से 2011 में श्रीलंका को भारत हराए हैं, उसी तरह ऑस्ट्रेलिया को भी हरा के घर भेजे। और आज छठ पूजा भी है, पहला अर्घ भी है। आज छठी माई से हम दोनों हाथ जोर से प्रार्थना करते हैं, दुआ मांगते हैं कि इंडिया टीम को इतना शक्ति दीजिए कि ऑस्ट्रेलिया को हराकर ऑस्ट्रेलिया भेजने का काम करे। आज पहला अर्घ है, आज प्रधानमंत्री भी पूरे देशवासियों को शुभकामना दिए हैं और इंडिया टीम को हिम्मत बढ़ाने का काम किए हैं। आज प्रधानमंत्री को हम धन्यवाद देना चाहते हैं कि हमेशा हर चीज़ में खड़ा रहते हैं हमारे प्रधानमंत्री। और उसी तरह आज पटना के नाला रोड में माँ भागसर हो, गंगा माता हो, भोलेनाथ के प्रार्थना की है कि इंडिया टीम जीते और ऑस्ट्रेलिया को हराकर ऑस्ट्रेलिया भेजे। आज होने वाले भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया विश्व कप का महामुकाबला है और इसको लेकर पटना के क्रिकेट प्रेमियों का उत्साह सर चढ़कर बोल रहा है। और इसी कड़ी में पटना के कदमकुआं इलाके में क्रिकेट प्रेमियों ने छठ महापर्व के दौरान छठी मैया से भारतीय क्रिकेट टीम की जीत की कामना करते हुए नाला रोड के माँ दुर्गा के मंदिर में हवन पूजा किया है और भारत की जीत की कामना की है। जहाँ एक तरफ आज इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का फाइनल मुकाबला है वर्ल्ड कप का, ये मुकाबला है, इंडिया 2 बार वर्ल्ड कप जीत चुकी है और उम्मीद यही लगाई जा रही है कि इस बार भी इंडिया ये वर्ल्ड कप अपने नाम करेगी।